तो दोस्तों कैसे हो? सुबह की नई नई धूप है। हेलो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि रात के बज रहे अभी 11 और मैं जा रहा हूँ गरबा देखने। और बहुत ही ज़बरदस्त गरबा लगा है सुनने में आया था, और मैंने कहा आज चलते हैं गरबा कैसा लगा है, क्योंकि मेरा आज कैमरा भी थोड़ा साफ नहीं चल रहा नाइट में, तो देखते हैं क्या क्या होगा। और कैमरे की वजह से भी थोड़ा स्टॉप रखते थे, पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है। ताकि जा रहा हूँ अभी, शायद इस साइड गया था मैं और इस साइड तो नहीं लगा है गरबा, तो उस साइड आगे देखते हैं। अगर लगा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, और नहीं लगा होगा तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। जा रहा हूँ, चलो मिलते हैं आपको। तो मैं अभी जा रहा हूँ, और मैंने थोड़ा लिया सोडा, कौन सा है पता नहीं, मगर पीने में बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको। ठीक है, आप लोग भी पी सकते हो, आप लोग भी खा सकते हो, पी सकते हो, घूमने के लिए आ सकते हो। लाइट भी नहीं, लाइट के वजह से ऐसे हो रहा है कैमरा। अब आई लाइट, बढ़िया आया। फिर देखते, फिर वो स्लो हो जाएगा, फिर देखो ऐसे आ रहा है। चलो दिखाते हैं आपको गरबा। ठीक है, आ गया है गरबा में, आपको आवाज़ आ रही होगी सॉन्ग की, अभी चालू है। और दिखाते हैं क्या क्या है अंदर। ठीक है, कैसा है यहाँ का गरबा। ठीक है, और देखो कैसा लगेगा और मुझे पता ना। ठीक है, नवरात्रा का ये पहले गरबा। ये भाई आरती लेके आए हैं, और हम आरती को करेंगे, और बहुत ही बढ़िया नवरात्रा का आज सातवां दिन है, बहुत ही बढ़िया। आज मैं भी आया हूँ, बहुत खुशी लगा मुझे। यहाँ पे दूसरा गरबा लगा है, और वहाँ पे जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है। और यहाँ पे तो हाँ दोस्तों, टाइम हो रहे अभी 12:30, 12:30 बज चुका है। और गरबा देखा, बहुत ही अच्छा लगा, और ख़ास करके क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं था, और जैसे भी था बहुत बढ़िया लगा मुझे। और आप लोग ने भी देखना, अगर
पसंद आए वीडियो। और गुजरात का ये 9 दिन का जो नवरात्र होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे गरबा लगते हैं। और आप लोग जब भी गुजरात में आओगे तो एक बार ज़रूर गरबा देख लेना, नवरात्रि के टाइम पे आना, बहुत ही बढ़िया गरबा लगता है। और सबसे बढ़िया गरबा मुंबई, बड़ोदरा और सूरत और राजकोट पे बहुत बढ़िया लगते हैं। यदि आप जब भी आओगे ना नवरात्रि के टाइम पे, एक बार ज़रूर देख के जाना, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और मैं परसों जब वहाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो परसों में जब घर जाऊँगा ना, वहाँ की एक वीडियो निकालूंगा मैं वहाँ पर। और वहाँ आपका गरबा बहुत ज़बरदस्त देखा था मैंने परसों, शायद मैं उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। अब एक मिनट लाइट कम चल, तो मैं गरबा देख लिया है क्योंकि मुझे मज़ा भी आ रहा था देखने में, ताकि टाइम ज़्यादा हो गया था इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बना पाया। और ज़्यादा कुछ भी नहीं बना पाया, मैंने कहा चलते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि सोना भी है, सुबह ड्यूटी भी जाना है, सब चीज़ देखना पड़ता है ना। तो जैसा भी है, मुझे बहुत बढ़िया लगा गरबा। वहाँ के जो एक जगह पे गया था, वहाँ पे आरती चल रही थी, और जो दूसरे जगह पे आया मैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे ये गरबा चालू था और छोटे छोटे बच्चे नाच रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि आप भी देखना कैसा है क्या है वीडियो, ठीक है। कैसे हो, क्योंकि कल रात को मैं, आपको मालूम है, मैं गरबा देखने गया था। वहाँ से आने के बाद अभी सो के नेक्स्ट अभी सवेरे में 10 बजे उठाऊँ, और रात को मैं फिर भी नहीं बता पाया क्योंकि लाइट भी नहीं थी और कुछ नहीं था, बस सोलगढ़ भी बताते ना। उसके बाद हम आए, और आने के बाद हमने सोडा वोड़ा पिया, और उसके बाद हम घर की ओर चल पड़े। और घर की ओर में आते हुए लाइट नहीं थी, उसके बाद सो गए, और अभी सवेरे आपके सामने फिर से गुड मॉर्निंग के टाइम पे आ चुके हैं। और क्या क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा, और नेक्स्ट अभी 10 बजे मैं चलता हूँ ड्यूटी, क्या क्या होता है फिर आपको वहाँ पे दिखाएंगे। मैंने दरवाजा, और हम चलते हैं अब ड्यूटी की ओर, और मिलेंगे आपको, ठीक है। पूरा सुबह की नई नई धूप है, आप देख सकते हो।